राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत 84 ग्राम पंचायतों में लगभग 1 करोड़ रुपए का मनरेगा मजदूरी भुगतान लंबित होने का मामला अब सियासी रूप लेता नजर आ रहा है। जहां पिछले दिनों ग्राम पंचायत गुसेरा में हुए प्रदर्शन के बाद आज ग्राम पंचायत मक्का टोला में भी भाजपा के बैनर तले बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूरों ने लंबित मजदूरी भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत मक्का टोला में लंबित मनरेगा मजदूरी भुगतान को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पूरे मामले में दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही और निलंबित मनरेगा मजदूरी भुगतान का जल्द से जल्द निराकरण किए जाने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त हुआ। आंदोलनकारियों ने बताया कि बीते दिन पूरे मामले को लेकर लिखित में जानकारी प्रशासन को दी गई, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल नहीं हुई, जिस वजह से आज ग्राम पंचायत मक्का टोला में भाजपा के बैनर तले ग्रामीण मनरेगा मजदूरों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जहां मौके पर डोंगरगढ़ तहसील और जनपद सीईओ द्वारा आगामी 3 महीने के भीतर लंबित भुगतान किए जाने और 15 दिनों के भीतर दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर जांच के बाद कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया। जी 84 ग्राम पंचायत जो ढोंड ब्लॉक का 1 करोड़ से ऊपर लाखों मजदूरों का जो बकाया है 8 महीना से, उसके लिए हम लोग आवेदन दिए थे। आवेदन के परिपक्ष में जब कार्रवाई नहीं हुआ उसके बाद आज धरना प्रदर्शन आज ग्राम पंचायत मक्का टोला के पावनधरा में हुआ है, जिसमें मजदूर भी पहुँचे थे, हमारे क्षेत्र के नेता भी पहुँचे थे। उस संबंध में जब आंदोलन ख़त्म करने के लिए हमारे अधिकारी लोग आए थे, सक्षम अधिकारी तहसीलदार के द्वारा ये बताया गया है और लिखित में आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर जो भी दोषी का इसमें अधिकारी कर्मचारी है उसमें दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा और 3 महीने के अंदर सभी मजदूरों को जो करोड़ों रुपये फंसा हुआ है लाखों मजदूर का वो सभी का पैसा मिलेगा, ऐसा करके आश्वासन दिया है। उसके बाद हम लोग आज उठे हैं और ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में वो लोग चिंता करें कि अपने कुर्सी बचाने का और अपने जनपद बचाने का। हम लोग इसके बाद घोर बड़े से बड़े आंदोलन करेंगे। जी धन्यवाद। जनपद पंचायत डोंगरगढ़ में मनरेगा के लगभग 84 ग्राम पंचायतों का 1 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मक्का टोला में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें यहां पर सभी आसपास के ग्रामवासी मजदूरी जो काम करने वाले लोग उपस्थित थे और यहां पर सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि 3 महीना के अंदर उनका मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और 15 दिवस के अंदर जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन समाप्त किए हैं और सभी यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक केदूराम साहू जी, जनपद सदस्य रविंद्र अग्रवाल जी, यहाँ के सरपंच हेमलाल वर्मा जी, देवेंद्र भाई वेदराम ताम्रकार जी सहित सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनके सभी मजदूरों के समक्ष उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि 15 दिवस के अंदर अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस हेतु जो है जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी चर्चा भी हुई, उनके मार्गदर्शन में उनके द्वारा यह कहा गया कि आगामी 3 महीनों में मनरेगा का जो है भुगतान, जो लंबित भुगतान जो है उनका निराकरण कर दिया जाएगा। साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी इस पर जो है दोषी हैं, अगर उनकी जांच कराई जाएगी, अगर वो पास पाते हैं तो नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।